हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई सी न्यूज। अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने वाले हो जून 25 में, तो आपने एक ओडी ओ पी ट्रेनिंग के बारे में सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ओडी ओ पी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कन्फ्यूज है कि ओडी ओ पी ट्रेनिंग में क्या पहन कर जाना है, ड्रेस कोड के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो डिटेल में बताऊँगा मैं ओडी ओ पी ट्रेनिंग में क्या ड्रेस कोड के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, आपको सी एस से रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारा चल देगा। देखिए, ओ डी ओ पी ट्रेनिंग में आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस सब जगह अलाउ होती है। अगर विंटर है तो फॉर्मल ड्रेस के ऊपर स्वेटर या फिर आप कोई जैकेट वैकेट पहन के जा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ पहनने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल ड्रेस आप पहन के जाओ, आपका काम उसमें हो जाएगा। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, वो आपको घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना होता है, उसमें कोई ड्रेस वेस की ज़रूरत नहीं होती। आप जिस कपड़े में हो वैसे आप काम हो सकता है, लेकिन ओडीओपी में अगर आप जा रहे हो तो आपको फॉर्मल ड्रेस ही वेयर करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था तो मैं आपको बता दिया। अगर आप जून 25 में एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करा लेना 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। अगर आपको सभी मॉडल का एग्ज़ाम देना है जून 25 में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का बता रहा हूँ मैं। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट ओडीओपी देके जरूर रखना, आपके लिए जरूरी है। ओडीओपी अगर आपने नहीं किया जून 25 के लिए, तो शेड्यूल आएगा, टेंटेटिव शेड्यूल, जैसे रिलीज होगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना। आपको कोई डाउट है डिटेल में हमसे बात करनी है, हमारी टीम से बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ICC_News इंस्टाग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में मैं आपका लिंक भी दे रखा हूँ, आप जाके कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोसेस कंप्लीट कराना है, जैसे सी एस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इसके लिए एक नॉमिनल फीस है, वो पेमेंट कर सकते हो और आप अपना काम करा सकते हो, ठीक है। थैंक यू, आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।